अभी गाइस हम निकल चुके हैं प्रेम मंदिर से। प्रेम मंदिर में सभी दर्शन हो गए, गोवर्धन पर्वत वगैरह वो सब हमने दर्शन ले लिए, और वहाँ राधा रानी का प्रसाद भी मिल रहा था तो वो राधा रानी का प्रसाद भी ले लिया। अब यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है शिरडी के लिए, पुणे के लिए। कंटिन्यू 1100 किलोमीटर का डिस्टेंस है शिरडी तक, वहाँ से भी आगे बहुत है, तो अराउंड 1500 किलोमीटर की जर्नी है हमारी यहाँ से। नहीं 1300 किलोमीटर की जर्नी है यहाँ से। और आप देख सकते हैं रास्ता आगे का कुछ नहीं दिख रहा, बस गाड़ियाँ आगे चल रही है, इसलिए समझ रहा है कि भाई रोड है। अगर गाड़ी आगे नहीं होगी और मेरी सिर्फ गाड़ी की लाइट चल रही होगी ना, तो रास्ता मुझे बिल्कुल नहीं दिखेगा, इसलिए आगे वाली गाड़ियों को फॉलो करते हम चल रहे हैं, नहीं तो रास्ता हमें नहीं दिखेगा। अभी जैसे मैं यमुना एक्सप्रेस वे लगूंगा तब आपको बताता हूँ कि भाई आगे हम यमुना एक्सप्रेसवे से कहाँ जाने वाले हैं। वैसे आए रास्ते से ही जाना है, लेकिन आपको नॉनस्टॉप जर्नी दिखाएंगे इसमें कि 1000 किलोमीटर की नॉनस्टॉप जर्नी हम कैसे कवर करते हैं। गाइस यमुना एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा आ गया है, लेकिन टोल प्लाजा तो कुछ दिख रहा नहीं है। ये भी या नहीं टोल प्लाजा, हाँ दिख रहा है थोड़ा बहुत दिख रहा है यहाँ पे। स्पीड ब्रेकर, ओके एक स्पीड ब्रेकर लग गया था। अच्छा आगे गाड़ी दिख रही है थोड़ी बहुत। गाड़ियों के पीछे जाना है हमें। किसी भी एक टोल पे सकते हो गई, टोल फाड़ लिया है, लेकिन रोड का कुछ फायदा तो है नहीं, दिख तो कुछ नहीं रहा। चलो भैया कौन आगे जा रहे तुम सा, अच्छा ये तो शहीद हो गया भाई, ये साइड हो गया, हम जाएंगे डीजर वाले के भैया के पीछे। ये सब तो रुक गए यहाँ पे, हम डीजर वाले भाई के साथ जाएंगे। ये हमारे नेता है। अभी हम आगरा में से पास हो रहे हैं। काश गाइस ये कोहरा ख़त्म हो जाए भाई, बहुत कोहरा है। शायद आगरा के आगे हम निकल जाएंगे तभी कोहरा ज़रा कम होगा, नहीं तो यमुना एक्सप्रेसवे में बहुत कोहरा था, अब थोड़ा बहुत कम हो गया है। मैं जैसे कैमरा उठा कम हो जाता है यार कोहरा। यहाँ पे 89.55, यहाँ ज़रा सस्ता पड़ता है, इसके बाद डायरेक्ट महाराष्ट्र में फुल करेंगे, देखते कितना होता है। अंकल भाई ऑलमोस्ट 30 लीटर के आसपास आ गया। ग्वालियर के बाद मोराना आता है, वहाँ पे गाइस अभी रुके क्योंकि आगे तो कुछ रोड है या नहीं कुछ नहीं समझ आ रहा। यहाँ पे तो चाय पीती है। चाय पीने के बाद वापस हम निकल जाते हैं आगरा से ग्वालियर की तरफ। अभी तक ग्वालियर भी पहुँचे नहीं है हम, और अभी भी इतना ज़्यादा कोहरा है। अभी और कितना कोहरा आगे हमें मिलने वाला है कुछ नहीं पता, लेकिन अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि किसी बस या गाड़ी के पीछे चलूँ ताकि मुझे आगे का रास्ता पता चल सके,
क्योंकि ये बस ड्राइवर्स और ट्रक ड्राइवर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस ड्राइवर्स होते हैं इन जैसी सिचुएशंस में, तो उनके पीछे चलना ही बेटर है। और मैं एक बात बता दूं भाई, अगर आपके सामने की गाड़ी आगे निकल गई तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, जाने दो उस गाड़ी को, क्योंकि आप पकड़ नहीं पाओगे और ज़्यादा हाई स्पीड में गाड़ी चलाने की कोशिश करोगे। अभी गाइस मुझे लेना है राइट टर्न, समझे, राइट टर्न लेना है राइट। अब मेरे को बताओ यार राइट किधर है, बाहर कुछ दिख रहा ही नहीं राइट, तो कहाँ से राइट है ये, क्या है झोपड़ी देख रही, राइट कहाँ है, कहाँ है। अभी इस मोमेंट पे मुझे तो मैप पे भी भरोसा नहीं है कि मैप सही रास्ता दिखा रहा है या नहीं, मुझे अभी शक होने लगा है कि मैं गलत रास्ते ना आ जाऊँ। अभी देख सकते हैं हम इतने ज़्यादा कोहरे में हैं कि मुझे ये भी नहीं पता मैं सीधे रास्ते हो या आड़े रास्ते हो। और सुबह के 5 बज चुके हैं और तभी भी मैं बहुत सारा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाया इस फॉग की वजह से, तो मैं अभी नींद में गाड़ी चला रहा हूँ ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे थोड़ी बहुत नींद भी आने लगी थी इसलिए मैं फ़ोन निकाल के वीडियो बनाने लगा ताकि मेरी नींद चली रहे। वैसे आपको नींद आ जाए तो गाड़ी आपको साइड में ही लगानी चाहिए, ऐसे रिस्क लेके गाड़ी चलाना बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन मैंने उस टाइम गलती की और ऐसे में रिस्क लेके रात में गाड़ी चला रहा था जबकि मुझे नींद आ रही थी। अगर अभी बहुत नींद आ गई तो मैं सो जाऊंगा, जगूंगा नहीं ज़्यादा, ठीक ठाक स्पीड से कवर हो रही है डिस्टेंस। लेकिन गाइस भाई ये फॉग ने तो बहुत परेशान कर, जैसा कि आप वीडियो में सुन सकते हैं मैं पूरी तरह नींद में हूँ, बिल्कुल भी गाड़ी चलाने के लायक नहीं बचा हूँ और मैं सोच रहा था कि कहीं गाड़ी लगा के सो जाऊँ और वैसा ही करने का फिर मैंने सोचा और गाड़ी साइड में लगा के सो गया। डर इस बात का था मुझे कि इतने ज़्यादा फॉग होने के वजह से लोगों को अगर रोड नहीं दिखेगा तो मुझे अच्छी जगह चाहिए जहाँ पर मैं गाड़ी लगा के तसल्ली से सो सकूँ कि मुझे कोई टेंशन ना हो कि कोई मुझे आके पीछे से ठोक ना दे, तो इसलिए ऐसी जगह भी मैं ढूंढ रहा था। और ये रास्ता ऐसा था कि हर जगह भाई बस सुनसान ही दिख रहा था। अभी आपके चाय भी निकली, इस रोड पे भाई आज बहुत एक्सीडेंट हुए होंगे क्योंकि कोहरा ही कोहरा था, कोहरे में मैंने गाड़ी चलाई थी पूरे, अब मैंने मामा को दे दी। बहुत डेंजरस हाईवे है गाइस। बादलों के ऊपर है हम, अभी बादलों के ऊपर का नजारा क्या लग रहा है, वापस कोहरा ही कोहरा आ गया, हम बादलों के ऊपर आ गए गाइस वापस। दोपहर में पूरे दिन ट्रैवल करते हुए हम राजस्थान एंटर हो गए, ऑलमोस्ट दोपहर में 1 या 2 बजे राजस्थान में हम एंटर हुए होंगे। और जैसे ही राजस्थान में एंटर हुए वहाँ पे हमें पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस ने हमारे डॉक्यूमेंट मांग लिए। यहाँ पे मैं सोच के चल रहा था मैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा, लेकिन हमारे गाड़ी में चार्जिंग ना होने की वजह से मैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पा रहा था, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और वो बोल रहे थे पुलिस वाले, भाई तुम हमको फिजिकल ही में ही दिखाओ, सामने दिखाओ, नहीं तो 500 रुपये का चलान पड़ेगा। भाई मैं 10 जन्म में 500 रुपये ना दूँ, भाई मेरे पास डॉक्यूमेंट सब है, मैं 500 रुपये क्यों दूँ, मैंने पैसे ही नहीं दिए भाई उनको। और मैं बोला भाई मैं कहाँ से भी डॉक्यूमेंट लाऊंगा, फ़ोन चार्जिंग करके लाऊंगा लेकिन आपको दिखाऊंगा, 500 रुपये नहीं दूंगा। ऐसे बहस करते रहे, फ़ोन का चार्जिंग नहीं था, वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे, तो छोड़ो जान ने बोला। फिर उन्होंने भाई सिर को हाथ लगा दिया, भाई तू जा, बोले भाई जा, तू नहीं देने वाला 500 हमको पता है, तो इसलिए हमको छोड़ दिया। और हमको शाम हो गई भाई या राजस्थान को पार करते हुए, अभी हम जा रहे हैं टोल अवॉइड करते हुए, देखते हैं मैप कहाँ कहाँ से हमें ले जाता है। वैसे हमें जाना है दुए शिरडी की तरफ, तो गाइस देखते हैं
हमें मैप कितनी देर में पहुंचा था। वैसे मैंने जो आगे का आधा घंटा का रास्ता था वो जो कट कर लिया, और यहाँ पे मैंने चार्जिंग के लिए कॉर्ड भी ले ली क्योंकि चार्जिंग नहीं थी गाड़ी में, पावर बैंक भी ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए मैंने चार्जिंग के लिए ले ली चार्जर। 12 वोल्ट का सॉकेट था अपने पास तो यूज़ कर लेते भाई, उतना ही अपने को वीडियो निकालने में हेल्प होगा। ऑलमोस्ट हमने कल रात से 400 किलोमीटर नहीं 400 भी नहीं 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। अभी भी 400 किलोमीटर का बचा है अभी भी रास्ता। अभी हम महाराष्ट्र एंटर कर चुके हैं, हम आए हैं अभी मध्य प्रदेश साइड से सीधा। अभी यहाँ से शिरपुर धुरे के लिए निकलेंगे, वहाँ हमें जाना है शिरडी को। रात के 2 बजने वाले हैं हमें शिरडी पहुँचने का। मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया क्योंकि भाई चार्जिंग ही ख़त्म हो गया था, तो चार्जिंग ख़त्म होने के बाद अभी मैंने चार्जिंग लगा के वापस ये किया, अब व्लॉग स्टार्ट किया। वाओ ये क्या है, कमान देखो आप, शिवाजी महाराज का बनाया था प्रतिमा वगैरह सब लगाए हैं। पार्किंग करके फिर ऊपर जाएंगे, वहाँ पे वॉशरूम वगैरह नहाएंगे, फिर जाएंगे शिरडी के मंदिर में। यहाँ पे पार्किंग मिली है 50 रुपये 1 घंटे से 12 घंटे आप लगा सकते हैं, तो अच्छी बात है भाई। प्रसाद लेना है तो प्रसाद भी ले सकते हैं। कल 2 दिन बहुत हेवी भीड़ थी यहाँ पे। अभी हमें साईं बाबा के मंदिर के सामने, यहाँ से अंदर आपको सर लॉकर के रखने में जगह, मतलब लॉकर में सामान या फोटो फ़ोन वगैरह रखने की जगह है, वहाँ पे मेन मंदिर है समाधि का, वहाँ से आपको यहाँ चलते आना है, फिर इस रास्ते से साइड साइड चलते जाना है, और किसी भी जो गेट रहेगा जनरल का उस गेट से अंदर जाना है। VIP के लिए अलग लाइन है, आपके लिए अलग लाइन रहेगी, और जो अगर आप कोई जो चादर वगैरह लेते हैं वो आप यहाँ देंगे कार्यालय में देंगे, आपको अंदर लेने के आप अंदर कुछ भी नहीं लेके जा सकते, अंदर बस आप वो आपके पास अगर एक कपड़ा होगा वही लेके जा सकते हैं, बाकी सब यहाँ पे देनगिरी के दान में दिया जाता है, आगे सब निकाल लेंगे आप। दर्शन लेके हम जा रहे हैं गाड़ी के पास, गाड़ी लेके जाएंगे सीधा भंडारा में खाना खाने के लिए, खाना इज इम्पोर्टेंट भाई।